नंबर 5 हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 3 है. व्हाट इज़ मेंट बाय आर डी बी एम एस, विच फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय आर डी बी एम एस. आर डी बी एम एस स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल जो हमारे पास ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म का रिलेशनल डेटाबेस जो है वो क्रिएट करते हैं और मेंटेन करते हैं. अ डेटाबेस इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशन इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस. वो कह रहा है कि हमारे पास जो है वो रिलेशंस को स्टोर करने के लिए रिलेशनल डेटाबेस जो है वो इस्तेमाल होती है. रिलेशन इज़ एन अदर टर्म यूज्ड फॉर टेबल. रिलेशन जो है वो टेबल का दूसरा नाम है. अ टेबल इन अ डेटाबेस हैज़ अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज इट्स कॉन्टेंट्स. टेबल जो है वो उसका यूनिक नेम होता है, जैसे स्टूडेंट टेबल हो गया, टीचर टेबल हो गया, यानी उसके कॉन्टेंट्स के हिसाब से उसका नाम जो है वो यूनिक होता है. फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाई द आर डी बी एम एस. आर डी बी एम एस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फैसिलिटीज़: डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंटेग्रिटी. सिक्योरिटी मीन्स डाटा जो है वो सिक्योर पासवर्ड्स वगैरह लगा के सिक्योर हो जाता है. इंटेग्रिटी, उसके अंदर हम कुछ चेक्स लगा देते हैं जिसकी वजह से डाटा जो है वो कंसिस्टेंट रहता है. डाटा इंडिपेंडेंस, हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम और हमारा डेटाबेस जो है वो इंडिपेंडेंट, उसमें हम किसी किस्म की चेंज कर सकते हैं. ईजी एक्सेस, आसानी से हमारी एक्सेस जो है वह मतलब बैकअप एंड रिकवरी. और डेटाबेस के अंदर ये भी फैसिलिटी होती है कि हम उसको प्रॉपर जो है वो उसकी उसका बैकअप जो है वो अलहदा सेपरेटली जो है वो उसको स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पेज नंबर 89 पे. व्हाट इज़ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स. Discuss the database objects used to store and retrieve data. यानी database के अंदर कौन कौन से objects जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं जिनकी मदद से हम database में data को store कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं उससे data. Database objects की definition हमारे पास ये है: a component of database system is known as database object. वो कंपोनेंट्स जो डेटाबेस सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं उनको हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. MSX प्रोवाइड्स वेरियस ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस. वो कह रहा है कि MSX के अंदर जो हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट्स हैं वो चार हैं: टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. टू ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आज के लेक्चर में देखेंगे. पहला ऑब्जेक्ट उसमें से हमारे पास है टेबल. टेबल, अ टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स. टेबल का कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है. हमने रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास टेबल कहलाता है. मैथ्स में भी हमने इसको देखा है. रोज आर आल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड. वो कह रहा है रोज को हम रिकॉर्ड भी कहते हैं. फिगर हमारे पास जो टेबल की है, पहले थोड़ा सा हम इसके अंदर देख लेते हैं. देखें, ये हमारे पास एक टेबल की एग्जांपल है. रो एक हमारे पास है, जैसे 6479, ये रो है, इसको हम रिकॉर्ड भी कहते हैं. और इसके अंदर फील्ड्स हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी है, फोर नेम यानी शुरू का नाम जो है, सुर नेम यानी पहला और बाद वाला नेम, यानी जैसे आपके नाम के दो हिस्से होते हैं, अली उस्मान, इस तरह से दो पार्ट्स उसके हो गए. डेट ऑफ बर्थ आपके पास हो गई, तो ये फील्ड्स हो गए जिनका दूसरा नाम जो है वो कॉलम है. की फील्ड है जिसको हम प्राइमरी फील्ड भी कहते हैं. की फील्ड जो है इसमें स्टूडेंट आईडी है. अब इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स उसने डाले हुए, यानी उसका स्टूडेंट आईडी है, नेम है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, ये सारे क्या हैं, ये डेटा आइटम्स कहलाते हैं. ये कलेक्टिवली ये सारा जो है ये हमें टेबल को जो है वो रिप्रेजेंट करता है.
टेबल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस, इट इज़ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन रिलेशनल डेटाबेस। यानी टेबल के बगैर तो आप कह लें कि रिलेशनल डेटाबेस जो है वो पॉसिबल ही नहीं। यानी डाटा हमारा हर किस्म का जो है वो टेबल के अंदर स्टोर होता है। ऑल डाटा इन रिलेशनल डेटाबेस इज स्टोर्ड इन टेबल। वो कह रहा तमाम डाटा जो है वो टेबल्स के अंदर, जो रिलेशनल डेटाबेस में, वो टेबल्स के अंदर ही स्टोर होता है। टेबल इज आल्सो नोन एज रिलेशन, उसका दूसरा नाम जो है वो रिलेशन भी है। एक डेटाबेस के अंदर हमारे पास बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं और इनको प्रॉपर तरीके से डिफरेंट नेम्स के साथ जो है वो टेबल्स को जो है वो स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूरी। क्यूरी होती है क्वेश्चन, यानी कोई हमारे पास एक टेबल स्टोर हुआ हुआ है, उसमें से हम किसी कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, कुछ फील्ड्स को उसमें से लेना चाहते हैं, कुछ को ड्रॉप करना चाहते हैं, कुछ को लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्यूरी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अ क्यूरी इज़ अ स्टेटमेंट दैट एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस, यानी कि वो डेटाबेस में से कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। क्यूरीज आर यूज्ड टू रिट्रीव द रिक्वायर्ड डाटा फ्रॉम डेटाबेस। वो कह रहा है जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है डेटाबेस की, उसको हम गेट करने के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। डेटा इज़ रिट्रीव्ड अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया गिवन बाई यूज़र। वो कह रहा है कि जो क्राइटेरिया होती है कंडीशन, यानी जो कंडीशन हम यूज़र जो है वो प्रोवाइड करता है, उसके मुताबिक डाटा जो है वो टेबल्स में से जो है वो एक्सट्रैक्ट होकर निकल के, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकल के, अलहदा से जो है वो एक टेबल में स्टोर हो जाता है। इट इज़ मोर फ्लैक्सीबल वे ऑफ सिलेक्टिंग, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स। यानी कह रहे हैं ये कि बहुत ही फ्लैक्सीबल वे है जिसकी मदद से हम किस सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ कॉलम्स को सिलेक्ट फिल्टर कर लेते हैं। निकाल, फिल्टर का मतलब होता है कुछ को निकाल लेना, कुछ को ड्रॉप कर देना। सॉर्टिंग, उसको हम अरेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी ये देखें, ये उसको थोड़ी सी उसका क्रिएट करने का तरीका है कि हमारे पास उसको क्रिएट क्यूरी जो है वो हम क्रिएट कैसे करते हैं। हमारे पास एक क्यूरी विंडो आ जाती है, जैसे ये टेबल क्लाइंट्स का एक टेबल आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो है इसी तरह से स्टूडेंट का टेबल हो गया, या जो भी रिक्वायर्ड टेबल्स हैं आप उसको इस पैन में जो है वो ऐड कर लेते हैं। उसके बाद नीचे क्राइटेरिया वाले फील्ड्स उसने बताए हुए हैं कि कैसे आप उसको कौन कौन से फील्ड्स लेने हैं, किस किस टेबल में से लेने हैं, ट कौन सा करना है, सेंडिंग डिसेंडिंग करनी है, क्राइटेरिया क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो डिटेल से आगे क्यूरी वाले चैप्टर में भी हम देखेंगे। तो ये एक सैम्पल है कि किस तरह से आप सिंपल सी एक क्यूरी जो है क्रिएट भी करवाऊंगी आपको इंशाल्लाह ताला। तो ये अभी फिल वक्त जो है कि कॉन्सेप्ट है कि हमने किस टेबल में से कौन कौन से फील्ड जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं, वो हम क्यूरीज की मदद से जो है वो कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक टेबल की एग्जांपल है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट टेबल है, ये कंप्लीट एक टेबल है। इसमें से अगर हम कोई कुछ चीज़ें जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं, क्यूरी जो है वो उसमें से हमारे पास उसने 3 रिकॉर्ड्स जो हैं वो, क्योंकि उसने क्राइटेरिया लगा दिया था, द यूज़र एग्जीक्यूट्स अ क्यूरी टू रिट्रीव द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट हु गॉट मोर देन 600 मार्क्स। ये हमारे पास एक पूरा टेबल है, देखें इसमें से 730, 662, 685 और 531, सिर्फ 531 एक ऐसा रिकॉर्ड है जो 600 से अबव नहीं है। तो जब हमने इस पर क्यूरी लगा ली, तो इसका मतलब ये वो फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स जो है वो हमें फाइंड आउट करके दे देगा और आखिरी वाला रिकॉर्ड जो है वो निकाल देगा, क्योंकि उसके मार्क्स जो हैं, क्राइटेरिया हमने दे दिया, कंडीशन हमने लगा दी कि मार्क्स जिसके ग्रेटर हैं 600 से, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स हमें शो करें, बाकी रिकॉर्ड्स शो ना करें। तो उसने वो 3 रिकॉर्ड्स जो हैं वो आफ्टर क्यूरी एग्जीक्यूशन जो है वो उसने 3 रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमें शो कर दिए हैं कि उस्मान, नदीम और अब्दुल्ला, क्योंकि इनके मार्क्स 600 से अब थे। और क्यूरी का रिजल्ट भी जो है वो एक टेबल की फॉर्मेट में ही आ जाता है, टेबल की फॉर्मेट में होता है, लेकिन उसमें यह है कि उसके अंदर हमने कोई क्राइटेरिया लगाया हुआ होता है, उसमें से कुछ फील्ड्स को जो है वो हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ होता है। द क्यूरी इज रिटन डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज, द मोस्ट कॉमनली यूज क्यूरी लैंग्वेज इज SQL। हमारे पास वो कह रहा है कि SQL जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो क्यूरी लैंग्वेज है, जिसके अंदर हम क्यूरीज जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। क्यूरी रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम डेटाबेस एंड डिस्प्लेस इट इन द फॉर्म ऑफ टेबल। वो कह रहा है कि क्यूरी को हम, क्यूरी क्या करती है, टेबल्स में से ही डेटा को लेती है,
उसके ऊपर किसी गिवन क्राइटेरिया के मुताबिक, गिवन कंडीशन के मुताबिक, फिर उसके बाद उसको भी अलहदा एक टेबल की फॉर्मेट में जो है वो शो कर देती है। द यूज़र कैन आल्सो चेंज डाटा इन डेटाबेस बाय यूजिंग क्यूरीज। क्यूरीज की मदद से डेटाबेस के अंदर डाटा चेंज भी किया जा सकता है। क्यूरी कैन आल्सो भी यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डिफरेंट फील्ड्स वगैरह। हम इसकी मदद से कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, अपडेशन यानी डाटा को चेंज भी कर सकते हैं। द आउटपुट ऑफ क्यूरी कैन बी यूज एज सोर्स ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। फिर यही जो आउटपुट होती है क्यूरी की, उसको उसकी मदद से हम फॉर्म्स और रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गए कि हमारे पास कोई भी टेबल दिया हुआ, उसमें से किसी भी चीज़ को हम एक्सट्रैक्ट करके इसको जो है वो क्यूरी को एक टेबल की फॉर्मेट जो में जो है वो शो कर सकते हैं। थैंक यू।